नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7। खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कोरोना महामारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता साई कुमार। खबर कर्नाटक के बीदर से है, जहां औराद तालुके के संतपुर सर्कल के हर गांव में जाकर लोगों के बीच कोरोना जैसे महामारी को रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता साई कुमार पढ़रीनाथ राव घोड़के लगातार काम कर रहे हैं। गरीबों के बीच पहुंचकर पानी की सुविधा, मास्क, सैनिटाइजर, खाने पीने की किराना सामान देकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी सरकार के द्वारा दिए गए कोविड गाइडलाइन का पालन करें। साई कुमार ने मानवता का उत्तम उदाहरण देकर अच्छा मार्गदर्शन किया। साई कुमार ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी गरीब के सेवा के लिए काम करता रहूँगा, समाज के लिए शैक्षणिक आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया। देखिए कर्नाटक से रामदास पाटिल की रिपोर्ट। मास्क कुड़ता रहा, नीर कुड़ता रहा, बोर हर्षार नम सेकंड वर्दा महादेव गुड़ी बरसक नीर नम सेकंड वर्दा यश कृष्ण तोल तकलीफ इत रात्रि बार तनक नीर ओय्तर अल बोर हड़सी अद्वन साय बहुत छंद मडसार उपकार अंदर बहुत छंद उपकार देवर देवर अंदर बे कम अदाय ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನದ ಅಂತಂದ್ರ ನಮಗೇನದ ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಯಿನಾಥ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ನೀರ್ ತಂದು ಮನಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲತ್ತಾರ. ಕೊರೋನಾದಾಗ ಮನಿ ಹೊರಗ್ ಹೋಗಲೋಗಿದೇನೋ ಅವ್ರ ಮನಿ ಮುಟ್ಟ ತಂದು ನೀರ್ ಕುಡ್ಲತ್ತಾರ. ಬಡವರಿಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ತಿಳಿದು ನೋಡತಾರ. ಅವ್ರ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ ಮನಿ ಮುಟ್ಟ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಅವತಾರಪ್ಲೇ ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಾರ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಹಮಾರೆ ಸಂತಪುರ್ ಗ್ರಾಮ ಮೇ ಜೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಪಾನಿ ಜೋ ಬಾಟಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ದೋ ಅಢಾಯಿ ಮಹೀನೆ ಸೇ बहुत अल्लाह का एहसान है, भगवान का एहसान है. यहाँ पर पानी की शॉर्टेज थी, फिर भी दो अढ़ाई महीने से पानी जो घर घर जा के दे रहे हैं हमारे साई सेठ के बहुत शुक्रिया है. अब ये लॉकडाउन में फिर भी अनाज के लिए भी सब देने के लिए उन्होंने विचार कर रहे हैं, दे रहे हैं. इसलिए हम ये साई सेठ का हम गोर गरीब के वास्ते भगवान जैसे है, ये है आप साई सेठ उन्होंने बहुत हमको शुक्र गुजार है उनका लिए. साई कुमार घोड़के संतपुर. मैं यहाँ पे पिछले कई दिनों से देख रहा था कि काफ़ी पानी की समस्या थी. इसी कारण हमारे गांव में जो संतपुर में है करीबन 2.5 महीने से पानी की समस्या थी. इसीलिए इसको देखते हुए मैं 2 महीने से निशुल्क पानी की सेवा शुरू किया हूँ, जिससे कि मेरे गाँव के निवासियों को पानी के लिए कोई भटकना ना पड़े. मैंने देखा था कि इस गांव में करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर दूर तक जाके हर कोई व्यक्ति पानी के लिए घूमता था, जिससे कि उनको समस्या होती थी. और इसी के लिए हमने एक प्रयत्न किया कि घर तक पीने का पानी मुहैया कराया जाए, जिससे हमारे जो बड़े बुजुर्ग ने बोला है जल ही जीवन है, इसी उद्देश्य को रखते हुए जल को घर घर तक पहुँचाने की सेवा शुरू करें सर. 2.5 महीने हो रहा है सर. उसको देखते हुए आज हमने जो कर्नाटक में वीकेंड लॉकडाउन का जो शुरुआत हुआ है उसको देखते हुए कुछ कार्मिक लोग हैं जो कि घर से निकल नहीं पा रहे थे. कुछ 3 दिन से हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो किया जा रहा है. उसको देखते हुए आज हमने कुछ लोगों को खाने का जो है किट प्रदान किया है सबको, जिसमें कि चावल, दाल और तेल और नमक और चीनी, शक्कर, ये सभी चीज़ें दी गई.